नाउ स्टूडेंट्स, दीज आर 2 by 1, मल्टीप्लीकेशन 2 by 1. इट मीन्स यू हैव 2 digit नंबर एज अ मल्टीप्लीकेंट. आपके पास 2 digits होंगे एक नंबर में, वो मल्टीप्लीकेंट होगा एंड द मल्टीप्लायर इज 2 देयर. सो यू हैव वंस एंड टेंस. यू हैव 2 digit नंबर, वन इज वंस एंड द सेकेंड इज टेंस. नाउ यू विल मल्टीप्लाई द फर्स्ट नंबर 2 विद 2. इट मीन्स 2 twos आर 4. 2 twos आर 4. 2 times 2 मीन्स 2 इज 2 times. नाउ यू विल मल्टीप्लाई दिस विद दिस नंबर. 2 threes आर, टेल मी व्हाट इज 2 threes आर. 2 threes आर 6. वेरी गुड. Now it is also a 2-digit number. First one is ones and the second one is tens. Very good. Now you will multiply 3 with 0 first and 3 with 4 secondly. Firstly, you will multiply 3 with 0. What do you think? What will we get after multiplying 3 with 0? हम जब 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा? 0. वेरी गुड. 3 जीरोस आर 0 एंड नाउ 3 फोर्स आर 12. 3 फोर्स आर 12. सो 120 इज योर आंसर. द थर्ड क्वेश्चन इज, दिस इज आल्सो अ 2-digit नंबर. Yes. Firstly, we will multiply 4 by 1 and secondly, we will multiply it with 2. It is also a 2-digit number. So, this one is ones and this is tens. So, tell me students, 4 ones are 4. Very good. 4 ones are 4 and 4 twos are 8. Excellent. 4 twos are 8. So 84 is our answer. Now dear students, there are 3 digits. How many digits we have? 3 digits. So first is ones, second is tens and third one is hundreds. Very good. We have 3-digit number as a multiplicand here. So first one is ones, tens and hundred. It means this is the number 104. So the multiplier is 2. It means humne 2 ko in tino digits ke saath multiply karna hai. Firstly, hum 2 ko multiply karenge 4 ke saath. 2 fours are, tell me students, 2 fours are 8. Excellent. 2 zeros are, now 2 will be multiplied with 0. 2 ko ab hum kisse multiply karenge? 0 ke saath. 2 zeros are 0. Because we will get 0 if any number is multiplied by 0. हमारे पास 0 ही आता है जब हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं. नाउ 2 विल बी मल्टीप्लाइड विद 1. 2 विल बी मल्टीप्लाइड विद 1. वेरी गुड. 2 वंस आर 2. एंड हियर आई रिमाइंड यू कि जब भी आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, यू गेट द सेम नंबर. यस, यू गेट द सेम नंबर. 2 वंस आर 2. दिस 2 नंबर्स आर सेम बिकॉज दिस आंसर ऑफ दिस मल्टीप्लीकेशन इज सेम बिकॉज द नंबर इज मल्टीप्लाइड विद 1. क्यों सेम है? क्योंकि हमने नंबर को किससे मल्टीप्लाई किया है? 1. सो द आंसर इज 208. यस, 208. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर इज आल्सो अ 3-digit नंबर एज अ मल्टीप्लीकेंट. फर्स्ट वन इज वंस, टेंस एंड
हंड्रेड, सो द नंबर इज़ 231। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, थ्री। व्हाट इज़ द मल्टीप्लायर हेयर, थ्री इज़ द मल्टीप्लायर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मल्टीप्लाई थ्री बाय वन। हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे थ्री को, सबसे पहले वन के साथ। वेरी गुड। जब हम किसी भी नंबर को वन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास क्या आता है, सेम नंबर। वेरी गुड। थ्री वंस आर थ्री एंड थ्री, नाउ थ्री विल बी मल्टीप्लाइड विथ थ्री। अब हम थ्री को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री के साथ। एग्जैक्टली। थ्री थ्रीज आर नाइन। थ्री टूज, नाउ थ्री विल बी मल्टीप्लाइड विथ टू। थ्री टूज आर सिक्स। वेरी गुड, एक्सीलेंट। सो द आंसर इज 693। नाउ स्टूडेंट्स, यू टेल मी हाउ मेनी डिजिट नंबर वी हैव देयर। देयर आर 1, 2, 3, 4, फोर डिजिट नंबर। इट्स मीन द फर्स्ट इज वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। राइट, वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड। इट इज़ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर बाय वन। नाउ 2,404 इज हेयर एज अ मल्टीप्लीकेंट एंड टू इज़ द मल्टीप्लायर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मल्टीप्लाई टू बाय फोर, टू विद फोर। टू फोर्स आर एट, टू फोर्स आर एट। एंड नाउ मल्टीप्लाई टू विद ज़ीरो। जब भी हम किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास क्या आता है, ज़ीरो। एग्जैक्टली। वेरी गुड। टू ज़ीरोज़ आर ज़ीरो। नाउ मल्टीप्लाई दिस टू विद दिस फोर। टू फोर्स आर एट, टू फोर्स आर एट। एंड यू मस्ट हैव टू राइट द नंबर्स बिफोर दीज नंबर्स। ओके। टू टूज आर फोर। एक्सीलेंट। टू टूज आर फोर। एंड वट वी हैव एज आंसर, 4,808। 4,808। नाउ देर इज ऑल्सो अ फोर डिजिट नंबर, 1,231। वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। सो थ्री विल बी मल्टीप्लाइड फर्स्टली विथ वन। थ्री को सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वन के साथ। थ्री वंस आर थ्री एंड थ्री थ्रीज आर नाइन। थ्री टूज आर सिक्स एंड थ्री वंस आर, थ्री थ्रीज वर नाइन, थ्री टूज आर सिक्स एंड थ्री वंस आर थ्री। हमारे थ्री क्यों आया है, ये सेम क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो नंबर है वो मल्टीप्लाई हमने किससे किया है, वन के साथ। वेरी गुड। नाउ स्टूडेंट्स, यू टेल मी विच टू नंबर्स विल बी मल्टीप्लाई टू गेट द आंसर फोर। आपके पास कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर फोर आएगा। एंड विच नंबर यू विल मल्टीप्लाइड सिक्स विथ एंड यू गेट द आंसर सिक्स। कि आप किस नंबर को सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू गेट द सेम आंसर, दैट इज सिक्स। एंड वट विल यू गेट आफ्टर मल्टीप्लाइंग फोर विद ज़ीरो। एंड आप किसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे या विच नंबर इज़ टू टाइम्स टू गेट द टेन आंसर। कौन सा नंबर टू टाइम्स होगा कि आपके पास टेन आंसर आएगा। एंड यू हैव टू टेल विच टू नंबर्स गिव यू द आंसर एट एंड विच बाई विच नंबर बाई मल्टीप्लाइंग विच नंबर यू गेट द सेम आंसर। कि आप थ्री को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास सेम आंसर आएगा। एंड आप फोर को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास ज़ीरो आंसर आएगा। ठीक है, दिस इज़ योर एच ए एंड यू हैव टू डू इट। नाउ अनदर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस फॉर यू इज़,
मल्टीप्लाई दीज नंबर्स. आप लोगों ने ये 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड उसके बाद आई विल गिव यू द सॉल्यूशन ऑफ देन दीज क्वेश्चंस एंड यू कैन मैच योर क्वेश्चंस विद इट. ओके, थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स. अल्लाह हाफिज़.